हिंदुस्तान, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जी डी एस इन्फो में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पल पल का अपडेट लेके आ गया है जी डी एस इन्फो। तो बहुत बढ़िया अपडेट है, जी डी एस रूल 3 का ऑनलाइन ट्रांसफ़र सर्किल जो मई 2026 में शेड्यूल हुआ है, वो उसका फाइनल ओपन होने का टाइम आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जी डी एस अंडर लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी इज़ बीइंग ओपन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन बाई जी डी एस एंड प्रोसेसिंग बाई डिवीजन विथ रिस्पेक्ट टू 21 मई 2024 शेड्यूल टू ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ वुड बी एज अंडर। यहाँ पे डेट दे दिया गया है। पिछले ही 2 दिन पहले वीडियो करके हमने बोला था कि बहुत जल्द ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने वाला है, तो वो ओपन होगा जो है 21 मई को ही ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि वैकेंसी अपलोडेशन जो था 7 से 15 मई ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको करना है 21 से 27 मई आपको ये अप्लाई कर देना है, ठीक है, देर बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी हम बना देंगे। उसके बाद वन टाइम मॉडिफिकेशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 18th एंड 29th मई को। उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा 30 से लेकर 33 जून तक, और उसके बाद रिलीज़ किया जाएगा ट्रांसफ़र लिस्ट को 7 जून में, और रिलीव कर दिया जाएगा जी डी एस को 22 जून तक, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी काम होगा, ठीक है, मतलब एक ही महीने के अंदर आप अपने घर में होंगे। तो परमानेंट एंगेजमेंट मेमो जिन लोगों को मिल गया है वही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 1 साल का सर्विस एंड परमानेंट एंगेजमेंट मेमो आपका मिल जाना बस चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इतने दिनों तक पेशेंस बनाए रखने के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जी डी एस इन्फो को। गुड बाय।